भारतीय किसान संघ के बैनर तले बागली के चापड़ा में किसानों द्वारा विकास खंड स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन 30 मार्च से जारी है। बुधवार के दिन धरना प्रदर्शन के 9वें दिन किसानों द्वारा सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया, जहां पर पंडित द्वारा विधि विधान से मंत्र उच्चारण कर यज्ञ प्रारंभ किया गया, जिसमें किसानों ने बारी बारी पांच पांच किसानों ने बैठकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ में आहुतियां डाली। बुधवार के दिन क्षेत्र से बड़ी संख्या में किसान धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। किसानों द्वारा हाट पिपलिया माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक मंजूरी के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन धरना प्रदर्शन के 9 दिन बीत जाने के बावजूद भी शासन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। चिलचिलाती धूप में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया, जो कि चुनावी दौर में किसानों को पलकों पर बिठाकर चलने की बात करते हैं, वही मुखिया आज किसानों की सूद लेने को तैयार नहीं है। सद्बुद्धि यज्ञ प्रारंभ करने से पहले किसानों द्वारा कन्या पूजन किया गया। कन्याओं के पैरों का पूजन कर यज्ञ प्रारंभ किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। तुम जो मान है, तुम जिनमय है, तुम आनंदमय है, तुम ब्रह्ममय है, तुम ज्ञानदार की ओर से तुम माते, तुम ज्ञानमय हो, ज्ञानमय हो, सी स्वाहा। और सर्वम विज्ञान तत्व जायते, सर्वम विज्ञान तत्व, सर्वम विज्ञान तत्व में सिद्धि, सर्वम विज्ञान तत्व प्रतिदि को वह जाते हुए तो लक्ष्मी मन भगवान ने मिश्रा भरने प्रभुतिम गावो दशी का मिले हम गुरु का नाम स्वाहा। हम यह सिद्धि प्रोता भूतवा जूही आदा जमन वाम सुत्तम पंच दशरथम चा श्री का महासुत तम जपे स्वाहा। ओम क्रीम ह्रीम क्रीम कमले कमलाले प्रसिदा प्रसिदा श्री ह्रीम क्रीम ओम महालक्ष्मी स्वाहा। जो चल रहा है अनिश्चितकालीन यहाँ पर यज्ञ किया गया, तो क्या है भाई साहब? अभी यहाँ हमारे यहाँ भारतीय किसान संघ विकासखंड बागली के तत्वाधान में माँ नर्मदा से पानी हमें भी सिंचाई के लिए मिले, इसलिए हाट पिपलिया माइक्रो उद्यान सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की जाए, इस विषय को लेकर लगातार यहाँ पर आज 9वां रोज़ था। और 9वें रोज़ में भारतीय किसान संघ के जो हमारे कार्यकर्ता है, इन्होंने सरकार को सद्बुद्धि दे और हमें नर्मदा का पानी मिले, इसलिए नर्मदा माँ को आह्वान कर यहाँ भगवान नर्मदेश्वर का यहाँ पर हवन किया गया, सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए। धरना क्या आप आगे भी जारी रहेगा क्या है? जब तक हमें प्रशासनिक मंजूरी नहीं मिलती, तब तक हमारा धरना लगातार जारी रहेगा, चाहे हमें साल भर यहाँ क्यों ना बैठना पड़े। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।